नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूँ एडवोकेट विश्वेंद्र चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, आप लोग कोई बैंक गए हों या किसी भी सरकारी दफ्तर गए हों, वहाँ पर एक वैधिक चेतावनी लिखी हुई होती है कि किसी भी कर्मचारी के कार्य में बाधा ना पहुँचाएँ और ना उसको कार्य करने से रोकें, ना उसके साथ गाली गलौज करें। अगर आप किसी सरकारी व्यक्ति जो उस वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद है उसके साथ कोई भी बदतमीजी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं और बलपूर्वक उसे कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी स्थिति में IPC की धारा 332 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। जैसे कोई रेलवे का कर्मचारी है, वो टिकट काउंटर पे है, टीचर है, बिजली विभाग के अधिकारी हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, जो भी पब्लिक डीलिंग करते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो उस टाइम पे अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं और उनके संग कोई भी बदतमीजी करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, फोर्सफुली उनको काम करने से रोकता है, तो ऐसी स्थिति में IPC की धारा 332 के तहत मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति ड्यूटी पर नहीं है, तब उसके साथ कोई व्यक्ति अगर लड़ाई झगड़ा कर देता है, तो तब उस समय IPC की धारा 332 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं होगा, नॉर्मल लड़ाई झगड़े की जो धाराएं हैं उनके तहत मुकदमा दर्ज होगा। दोस्तों, अगर इस सेक्शन में अगर सजा की बात करें तो इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक कॉन्जेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ट्रायल बाय फर्स्ट मजिस्ट्रेट है और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो।